जिसमें आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा पैसे का लेन देन करते पत्रकारों को वायरल हुआ, इस पर क्या कहेंगे? ये अभी ये हमें आपके माध्यम से बात पता चली है, मुझे इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। आपने बात कही तो देखते हैं, हम इसको दिखवाते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम जांच करके उसको। अगर इस वीडियो में सत्यता पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आपके जिलाध्यक्ष की? देखिए, पहली बात तो इस वीडियो में कोई सत्यता नहीं होगी, वो कुछ और ही काम कर रहे होंगे, किसी ने खींच लिया होगा, पार्टी विरोधी, मतलब लोग देख रहे हैं कि हमारा चुनाव उठ रहा है, तो चुनाव हमारा न उठने पाए इसलिए इस तरह का षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा जा रहा है। वीडियो में पैसे का लेन देन की बात का नहीं तो उन्होंने, अब ये तो मैं, हम वहाँ थे नहीं, ना मुझे इस बात की कोई जानकारी है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये सब गलत ही हुआ होगा और जिसने भी इस वीडियो को वायरल किया है षड्यंत्र के तहत इस काम को। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा अगर पैसे का लेन देन हो रहा है? जो चीज़ हमने देखी नहीं उस विषय में हम कैसे बताएं? पार्टी तो ये है कि हम इसमें जांच करवाएंगे, देखेंगे। पार्टी के जिलाध्यक्ष ये बात आपने बताई, अभी तक मैंने देखा नहीं, हम जिलाध्यक्ष से बात करेंगे और इस मुद्दे पे जो भी होगा। तो नहीं, कौन सा वीडियो कौन वायरल हुआ? वीडियो आपका वायरल हुआ है, कौन वीडियो देते हुए किसको दे रहे थे? 2,000-3,000 रुपए लोग, कितने पैसे लेंगे? किसको दे रहे थे? वीडियो वायरल हुआ है तो क्या कहेंगे? हमने किसी को कहीं कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, कोई पैसा नहीं दिया? हम तो होटल में आप लोगों वीडियो कहां से आए? कार्यकर्ताओं के हम बाइट ले लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं जो वायरल हुआ है स्पर्श होटल नैमित सारायण में, हम अपने कार्यकर्ताओं जलपान करा रहे थे, जलपान का बिल हम दे रहे थे, हमने किस पत्रकार को दिया पैसा? और क्या पत्र उसमें ऑडियो है भाई साहब? ऑडियो है तुम्हें?